आ गए हम वापस, और कुछ नहीं तो कंसिस्टेंसी के लिए ही हमें 100 नंबर मिलने चाहिए मुझे एटलीस्ट। घर वाले जब रोज मुझे कैमरा लेके घूमते हुए देखते हैं कहते हैं ओह चालू हो गई है वापस, पर अब क्या करें। मैंने ना एक प्लेज लिया है अपने एक कज़िन के पीछे, उसने मुझे 100 दिन का चैलेंज दिया है कि 100 दिन तक आप ये काम ज़रूर करोगे। और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि तुम क्या कर रही हो, बता दो क्या कर रही हो। क्या लिखोगी इसमें? सरप्राइज आ गया शिवाची, कौन है ये? पूरा मुंह मुझे आज चंडीगढ़ गए थे। हाँ शिवाच कौन आ गया? थोड़ा सुबह वर्कआउट का वीडियो भी बनाया है, और हो सकते हैं और मुझे देख के किसी को मोटिवेशन आती हो, तो प्लीज डेली वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। जितना वेट वो उठाते हैं 6 महीने के अंदर अंदर मुझे भी उठाने की कोशिश कर रही हैं। पग्स एज अ ब्रीड बहुत ही अटेंशन सीकिंग डॉग होती है। वो जब वोडाफोन का एड आता था जिसमें आपके पीछे पीछे चलता है, दे आर एग्जैक्टली लाइक दैट। ये सारा टाइम आपके पीछे पीछे चलते हैं, किचन में जाओगे कहीं पे भी जाओगे ये आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। और ये देखो इन दोनों, ये दोनों डॉग्स मिल के ना हमें एक्सरसाइज नहीं करने देते, बार 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 बीच में आके गोदी में चढ़ जाते हैं। वैसे शिफू महाराज जो थे सुपर एक्साइटेड थे, एक्साइटमेंट में इतने सारे खिलौनों से खेल लिए। 5 बजे उठ गया सुबह, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसके बाद उसको नींद आ गई और वो जाके ऊपर सो गया। उसकी ये हालत हो रही है, टेबल के नीचे सो गया अपने पापा की। क्योंकि शिवांश सो गया तो गिफ्ट खोलने का सारा डिपार्टमेंट आशवी का हो गया, और उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता कि भाई बहुत ही अच्छा हो गया, शिवांश सो गया दादू के आने के टाइम पर।
बेसिकली इट्स सेफ टू से के दादू और ब्राउनी के वेलकम में ब्राउनी को ज़्यादा वार्म वेलकम मिला है और शिफू ने मिस कर दिया है दादू की एंट्री की सारी एक्साइटमेंट। ये जो 100 डे प्लेज है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कल।